हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम पोखरा पहुंच चुके हैं। पोखरा के बाहर मतलब अपने होटल पे ही हैं। थोड़ा सा अभी निकल लें बाहर खाने पीने, ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि होटल को समझ नहीं आ रहा है ब्रेकफास्ट। तो हम लोग अपना बाहर होटल चल के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी आज पोखरा पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। बाकी ये था अपना कुछ होटल, ये ऐसा। और पीछे खड़ी हैं अपनी दोनों बाइकें, कॉल स्टार्ट करेंगे तब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पोखरा में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे, पूरा मतलब डिटेल आपको वीडियो देंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, फटाफट बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी करेंसी भी चेंज करवानी है, सब कुछ करेंगे अभी। तो मिलते हैं बाइक पे। तो भाई ये है अपने होटल का व्यू, खूबसूरत सा, एकदम शानदार सा। बस सुबह उठो और सामने ये देखो नज़ारे, बहुत ही शानदार। तो भाई बाइक हो चुकी है एकदम कोल्ड स्टार्ट, अब बस निकलना है पोखरा डिस्कवर करने। पहले कुछ नहीं, पहले चल के हम लोग करना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ हम लोग ने किया नहीं है। अब सिर्फ पहले जाएंगे हम लोग और पोखरा फिर डिस्कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे पोखरा में क्या है कैसा है किस हिसाब से, सब कुछ आपको बताएंगे, एक एक हर एक चीज़ की डिटेल। तो पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगा कहाँ पर क्या है पोखरा में। तो अब चलते डायरेक्ट आगे, ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट क्या सारा लंच ही होगा, क्योंकि एक बज चुका है यार, 12:45 हो रहा है। चलो देखते हैं अभी क्या सीन बनता है खाने का पीने का, उसके बाद जो है चलते हैं आगे। तो ये हैं कुछ पोखरियाँ, पोखरियाँ बता रहा हूँ, पोखरा की गलियाँ, जहाँ मतलब हम लोग ने अपना होटल काफ़ी अंदर के साइड लिया था, क्योंकि रात में बहुत लेट हम लोग पहुँचे थे अपने पोखरा पे। तो होटल सारे फुल थे, गलती है कि हम लोग ने एडवांस बुक नहीं की थी। तो आपसे एक चीज़ बोलेंगे कि कहीं भी जाओ एडवांस बुकिंग करके ही जाओ, क्योंकि ऐसे घंटों भर ढूंढोगे परेशान होगे, इससे अच्छा एडवांस बुकिंग रहती है, ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी हम लोग पोखरा के मेन रोड पर हैं, मेन रोड पर नहीं अभी गली में है, अभी थोड़ा सा आगे 100 मीटर बाद जाके मेन रोड आएगी। मेन रोड आपको दिखाएंगे यहाँ कैसी है। लेक जो पोखरा की जो मेन लेक है वो यहीं पे आगे जाके, तो यहाँ पर थोड़ा खाते पीते हैं उसके बाद ही आगे चलते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग पोखरा लेक पे। अच्छा, यहाँ की एक अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे टिकट नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से अंदर आओ, टहलो घूमो जितनी देर रहना रहो। तो ये देखो लेक देखो भाई, पहले ये पहाड़ों के बीचों बीच में प्यारी सी एक लेक, सुंदर सी है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। देखो बोटिंग वगैरह भी है यहाँ पे, लेकिन बोटिंग का भी सीन देखते हैं, अगर मन हुआ तो बोटिंग भी करेंगे। बाकी एक बार लेक देखो यार, ये बहुत प्यारा लग रहा है। पीछे देख रहे हो ये है नैनीताल लेक, देख के उसको याद आ गया। ये है पोखरा की लेक, जो कि एकदम सेम नैनीताल की ही जैसी है, कोई ज़्यादा खासियत नहीं है, बस पीछे पहाड़ों के बीच में है, बस यही एक अच्छी इसकी बात है और कुछ ज़्यादा बात नहीं है। बाकी बोटिंग वगैरह है, बाकी एंट्री यहाँ पे आपकी फ्री है, यहाँ पे कुछ कॉस्ट वगैरह एंट्री चार्ज नहीं है, तो ठीक है घूमने के लिए, ठीक है, जितना मन करे आके रुको, जाओ खाओ पियो टहलो। ये देखो आपने पोखरा लेक देख लिया। पोखरा लेक में क्या था मैंने आपको सब बता दिया डिटेल में, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। बाकी अब यहाँ पे एक फुल, तो यहाँ पे अपनी टंकी फुल करवानी है और यहाँ पे भी रेट है 172 रुपीज़ पर लीटर। तो देखते हैं कितने में अपनी पूरी टंकी फुल होती है। तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा महंगा है 172, और वहाँ पर अपने इंडिया में है 96 या 89 कुछ समथिंग है, तो भाई कॉस्टली तो है यहाँ पे। बाकी अभी देखते हैं कितने का पूरा फुल होता है अभी। और डाल दिए, और डाल दिए, ग्यारह सौ 1166 का आया अभी, आया ना
तो 1200 रुपये का अपने बाइक में टैंक फुल हुआ है और आया है 7 लीटर इंडिया में, 7 लीटर 600 रुपये का। भैया महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है यहाँ पे। 172 रुपीस पर लीटर है भाई, मायने रखता है यहाँ पे। हाँ, तो चलो ज़्यादा बातचीत क्या करना, अब डायरेक्ट आप लोगों को चलते हैं सागर कोट कुछ नाम से एक जगह है, वहाँ ले चलते हैं। वहाँ पे सनसेट जो होता है व्यू काफ़ी अच्छा आता है, तो देखो धूप सामने भी दिखी रही है, ऊपर चलते तो और अच्छे से धूप दिखी। तो चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आगे आपसे रास्ते में। बाय बाय। दोस्तों फाइनली सहारनकोट की चढ़ाई दिख गई, अब खड़ा रास्ता है एकदम यहाँ पे। सहारनकोट वी आर कमिंग। व्यूज तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई। ऊपर अब यहाँ पे हम सोचे फोन अपना रख के अब डायरेक्ट ऊपर पहुंच के आपको बात करेंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सहारनकोट। क्या नाम क्या था? सहारनकोट। हाँ, तो भाई व्यू देख लो यहाँ का कैसा है, बहुत दूर आना पड़ा क्योंकि सामने चल रही केबल कार, ये देखो। तो ये भी काफ़ी ऊपर तक की जाती है, नहीं ऊपर तक नहीं हो सामने तक जाती है केबल कार। तो भाई व्यू देख रहे हो क्या व्यू है, तो इसको बोलते हैं व्यू। सामने सनसेट हो चुका है, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, नीचे लेक्स वगैरह हैं, व्यूज़ हैं, तो देख लो क्या भाई खूबसूरत लग रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा चाय शाय पियेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, उसके बाद चलेंगे अपना हम लोग पोखरा वापस होटल चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर आगे, चाय वाय पीते हैं पहले। ओके बाय बाय। तो फाइनली अपनी चाय वगैरह सब आ चुकी है, लेकिन यार यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। एक बार पीछे का व्यू दिखाते हैं, व्यू देखो मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। रुको दिखाते हैं अभी, ये पीछे का व्यू है। अपन हम लोग ने मिंटी और हुक्का मंगवाया है, बाकी व्यू पीछे का देख लो। ऊपर ये देखो पूरा सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। ये था सहारनकोट, तो आना यहाँ पे वर्तित था, बाकी आप लोग भी आइए, मज़ा आएगी आपको भी बहुत ज़्यादा। तो अब थोड़ा यहाँ पे फ्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, फिर आगे चलते हैं नीचे अपना पोखरा। तो वहाँ पे रूम है, अभी यहाँ पे देखते हैं रूम का पता करते हैं कैसा क्या है। तो यहाँ भी हम लोग रूम लेंगे अगर बनता है प्लान तो मिलते हैं हम लोग फिर थोड़ी देर बाद। तो भाई अब जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे यहाँ का व्यू देखो भाई, मतलब दिल खुश हो गया। हम लोग को पोखरा जाने से अच्छा हम लोग को यहाँ आना चाहिए था यार। व्यू देख रहे हो भाई, बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत शानदार। मतलब यहाँ पे आना वर्थ है, मतलब कहीं जाओ ना जाओ यहाँ पे आओ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। तो भाई बहुत मज़ा आ रही है, मज़ा आ गई यहाँ पे आके। मतलब पोखरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बस मन ये कर रहा है कि यहीं पर हम लोग रुक जाए, यहीं पर स्टे कर ले। अब भाई बाकी देखते हैं सीन क्या बनता है, अगर सीन बनेगा तो यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे और ज़रूर करेंगे, रुकेंगे भी यहाँ पे अगर बनता है तो, वरना कोई बात नहीं, मज़े तो ले ही चुके हैं। और इसी के साथ अभी वापस पोखरा जाना है, हम लोग लगेज वहीं पे ही है पोखरा में ही होटल में। तो कैमरा रखते हैं अंदर, थोड़ा इन्जॉय करते हैं पहले, उसके बाद आपसे मिलते हैं दोबारा।